नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। ध्यान दे, हम ससुराल नहीं आए, हम सांप को रिलीज करने के लिए आए हैं। वीडियो का आखिरी तक बने रहें। एक बैग यानी एक अटैची सांप इसमें भरा हुआ है, तो आज इसे हमें फॉरेस्ट में रिलीज करना है। साथियों, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझ लेना कि आसियाना अमीरों का है। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, इस ज़माने में तुम्हें गैरों से नहीं अपने पास रहने वालों से सावधान रहना है। मन की आँखों से रब का दीदार करो, दो पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतज़ार करो। क्या रखा है आपस के बैर में, ऐ यारो छोटी सी है ज़िंदगी, बस हर किसी से प्यार करो। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम बहुत सारे सांप अटैची में भरे हुए हैं, जिसे आज हमें प्राकृतिक परिवेश में रिलीज करना है। तो साथियों, बेटी बचाइए, बेटियों को खास करके पढ़ाइए और नारी को सम्मान दीजिए। ध्यान से देखिए, ये अटैची खुला, बहुत ही बड़ा साइज, प्राकृतिक परिवेश में इन्हें जाने दीजिए। फ्री हैंडलिंग ना करें, सांपों का फ्री हैंडलिंग ना करें। साथियों, इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जब जरूरत बदल जाती है तो उसके पास बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। फ्री हैंडलिंग ना करें, गर्मी बढ़ रही है, आप अपने घरों के छतों में कटोरा में कुछ दाना रख दें, गेहूं खास करके कुछ दाना रख दें, ताकि उस दाना को पक्षी लोग खाएंगे। और पानी रखा करें, दिन में दो बार पानी ज़रूर रख दें, जिससे बहुत सारे पक्षी आकर के आपके घरों में पानी पिया करेंगे। साथियों, इंसान की फितरत पहचानना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि यहाँ लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेहरे बदलते हैं। तो साथियों, ध्यान रहे, गर्मी बढ़ चुकी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सांप से जुड़ा हुआ तमाम जानकारियाँ आपके मोबाइल के स्क्रीन तक पहुँचता रहेगा। और फिर से इस दोबारा अटैची को हम लॉक कर रहे हैं, इसमें काफ़ी आराम फील होता है। ख़ास करके सांप जितने भी हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि इंसानी बस्ती में आ जाएं। तो धीरे धीरे गाछ वृक्ष कट रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो आप महीने में कम से कम 5 पेड़ लगाइए। 5 नहीं भी सकिएगा तो 2 कम से कम लगाइए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो चुका है। जलवायु परिवर्तन को हमें अगर बचाना है तो सबको मिल करके हमें काम करना होगा, सबको मिल करके इस पर पहल करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ रामनवमी की हार्दिक बधाई तमाम देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।